यदि चाहते हैं आप लोग कि मैं ब्लॉग बनाऊं और आप लोग को अपनी रेसिपी दिखाऊं जहां जाती हूं घूमने के लिए, सब तरह के ब्लॉग डालती हूं, बाहर जाती हूं तब, गांव जाती हूं तब, और घर का तो डालती ही हूं, और क्या चाहिए आप लोग पता नहीं, बताइएगा यदि कुछ और भी चाहिए तो, कि क्यों नहीं व्यू आ रहा है और क्यों नहीं आप लोग लाइक कर रहे हो मेरे ब्लॉग को। तो चलिए फिलहाल किचन में चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने रीता मिश्रा चैनल पे फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। ये देखिए मैं प्याज टमाटर और इसमें थोड़ा सा लहसुन पीस रखी हूँ, और ये मैं भिंडी बना रही हूँ मसाले वाली भिंडी, और बस हल्का सा इसमें पचफोड़ना का फ़ोरन डाल के और भिंडी को भून लीजिए बढ़िया तरह, मैंने थोड़ा सा कि उसका थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद उसमें ये मसाला डाल के भून लीजिए, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा है तो सब्जी मसाला डाल लीजिए और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए, फर्स्ट क्लास आपकी सब्जी रेडी हो जाएगी। और भूनने के लिए आराम आराम से भूनिएगा कि टूटे नहीं, टूटने पर ना लेस आप लेस वाला हो जाता है। और ये सब मैं कर रही हूँ अभी, और उसके बाद यहाँ फ्रूट काट ली हूँ तो फ्रूट उनके लिए पैक कर ले रही हूँ, और फ्रूट में खरबूजे हैं, और ये खरबूजे ना मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आ गया है तब तो खाना पड़ेगा ही, थोड़ा सा ये उतना सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा सा मुँह में ना हार्ड सा लगता है, और लेकिन पानी ज़्यादा होता है तो गर्मी के लिए फ़ायदा ही है, आप कुछ भी खा लीजिए। और ये देखिए भिंडी भी मेरा भून गया, बस थोड़ा सा पहले हल्दी नमक डाल के इसको भून ली हूँ, अब मसाला डाल लूँगी। और इधर देखिए रोटी गरम गरम और फुलके बन गए एकदम फूले फूले से, और बढ़िया लगता है ना जब रोटी नहीं फूलता है ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। और ये चारों बगल से फूल गया, और ये मैं मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाती हूँ। तो ये जो अभी दूध गरम कर रही हूँ, ये पतिदेव जी नाश्ता करेंगे, दूध रोटी चीनी उनको बहुत पसंद है, तो उसके लिए दूध गरम कर ले रही हूँ, क्योंकि पूजा की घंटी मुझे सुनाई दे रही है, वो पूजा हो चुकी है उनकी। और इधर मैं लंच पैक कर देती हूँ, और भिंडी की सब्जी भी हमारी तैयार है, रोटी भी तैयार होगी। ये सलाद वाला में थोड़ा सा खीरा डाल दी हूँ काट के, और थोड़े से आम भी डाल दी हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि इसमें सेट हो जाए, तो वही कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता है ना, फिर रात में खाना वाना खाते हैं फिर सो जाते हैं जल्दी, बोलते मैं आम ला के लेके आता हूँ, और खाने का ही नहीं मौका मिलता है, तो लंच में दे दूँगी तो कभी जब भी भूख लगेगी खा लेंगे।
आराम से। हवा अच्छी है ना? ये धूप भी निकल गई है। चले अपना किचन में जी। तो ये ब्लैक कॉफी बेटे के लिए, उसको भी तैयार करके दे दूं, फिर उसके बाद जाऊंगी अपने नहाने वाने के लिए, क्योंकि फिर थोड़ी देर निश्चिंत रहूंगी ना कि वो आधा घंटा आधा पौन घंटा अपना कॉफ़ी पी के इंतज़ार करेगा, फिर नाश्ता दूंगी बना के। और उसका नाश्ता तो प्रोटीन रहता है, तो मुझे उसके नाश्ते की ज़्यादा फिक्र नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत गर्मी है, नहाने के बाद भी गर्मी लगती है। सुबह से किचन में लगे रहो, फिर आके नहा हुआ फिर जाके किचन में जाओ। तो चलिए नहा हुआ तो ली, और उसके बाद चलिए किचन में क्या कर रही हूँ, अपने लिए क्या नाश्ता बना रही हूँ, और आगे फिर क्या सब करूँगी चलिए फटाफट दिखा लेती हूँ। फिर आके मैं आराम से थोड़ी देर नाश्ता वास्ता करके पंखे में रेस्ट करूंगी। थोड़ी देर जब नहाते रहो तब तक अच्छा लगता है, उसके बाद फिर ऐसी गर्मी सी लगने लगती है। चलिए चलते हैं किचन में। और हाँ, जाने से पहले, आजकल ब्लॉग थोड़ा लेट हो रहा है, तो क्या करूं, आप लोग ब्लॉग देखते नहीं है, लाइक ही नहीं करते हैं, व्यू इतने कम आ रहे हैं, तो मन भी ऐसे ही खराब करता है ना, होता है। किचन में जाने से पहले बस एक बात कहनी थी कि आजकल ब्लॉग लेट हो रहा है, तो क्या करूं, व्यू बहुत कम आ रहे हैं, और व्यू जब कम आते हैं तो मन नहीं करता बनाने का, क्योंकि एक ब्लॉग को एडिट करने में 3 से 4 घंटे टाइम लगता है, और पहले ब्लॉग शूट करो, फिर उसको एडिट करो, फिर थंबनेल बनाओ, फिर पोस्ट करो, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइस। और आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो कैसे हिम्मत होगी, तो इसीलिए थोड़ा सा आज लेट, आजकल जब मन ही नहीं अंदर से करेगा तो क्यों इतनी गर्मी में ज़्यादा परेशान होते रहूं, पहले खाना भी बनाऊं, फिर उसको सूट भी करूं, फिर ब्लॉग में भी डालूं, तो इसलिए थोड़े से बस ऐसे मन नहीं करता है, थोड़ी हिम्मत ना जवाब दे रही है जैसे लग रहा है। ऐसे कई सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो यूट्यूब करते हैं, तो उन लोग का भी यही हाल है, जिनके व्यू आते हैं वो तो बहुत बढ़िया, कुछ भी डाल लें अनाप शनाप बहुत सारे अच्छे व्यू आ जाते हैं, जो हम लोग साफ सुथरा ब्लॉग बनाते हैं तो हम लोग के ब्लॉग पे ही व्यू नहीं आता है। तो प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए, और यदि सपोर्ट करेंगे तो आगे कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो यदि चाहते हैं आप लोग कि मैं ब्लॉग बनाऊँ और आप लोग को अपनी रेसिपी दिखाऊँ जहाँ जाती हूँ घूमने के लिए, सब तरह के ब्लॉग डालती हूँ, बाहर जाती हूँ तब, गांव जाती हूँ तब, और घर का तो डालती ही हूँ, और क्या चाहिए आप लोग पता नहीं, बताइएगा यदि कुछ और भी चाहिए तो, कि क्यों नहीं व्यू आ रहा है और क्यों नहीं आप लोग लाइक कर रहे हो मेरे ब्लॉग को। तो चलिए फिलहाल किचन में चलते हैं। तो ये मैं दाल, मसूर की दाल है, लाल मलका कहते हैं इसको मैं भिंगो रही हूँ, और 2-3 बार अच्छे से इसको धो लूँगी, और ये ना रात की तैयारी है, शाम की तैयारी है, तो अभी थोड़ा सा भिंगो के रख लेती हूँ, तो थोड़ा दोपहर में या थोड़ा 4-5 बजे के करीब आएंगी हमारी जो है हेल्पर है राधा, वो आएंगी तो उनसे थोड़ा पिसवा लूँगी मिक्सी में, तो इसका भी बनाने वाली हूँ। तो आज इसी की हरी सब्जी खाने का मन नहीं है, तो कहीं किसी की सब्जी बनाती हूँ, और फ्रेंड्स बहुत ही यम्मी सब्जी बनता है, मुझे तो हर चीज़ से की सब्जी से, ये दाल वाल पीस के बनाते हैं ना, तो उसकी सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है।
और देखिएगा रेसिपी डालूंगी, और आप लोग को भी पसंद आएगा तो ज़रूर बनाइएगा। मसूर दाल है और इसमें हम थोड़ा सा चना का दाल में मिलाऊंगी। आप चाहें तो थोड़ा सा 3/4 मसूर दाल बना सकते हैं चना दाल, या खाली चना दाल का भी बना सकते हैं। तो चना दाल का खाली बनाने पे ना थोड़ा सा ज़्यादा कड़क बनता है एकदम, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा मसूर दाल डालने से थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट भी रहता है और अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया टेस्ट तो बहुत बढ़िया ही आता है। और उसको मैं धो के डाल दी हूँ, 4-5 घंटा उसको भींग जाएगा। 2 घंटे भी भिंगा के पीस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास टाइम है तो मैं अभी ही डाल दी हूँ। और ये मैं अपने लिए ओट बना रही हूँ, सिंपल ओट है। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी, मुझे तीखा पसंद है तो मैं काला मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के गर्म कर लें, उबाल लूँगी। एक उबाल आएगा, मेरा ओट तैयार है तो, और ठीक रहता है इसके, ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है खाने में और फटाफट हो भी जाता है। और ये मैं अपने लंच के लिए रोटी आटा लगा रही हूँ, तो ये रागी का आटा है नीचे, और साथ में ये ऊपर में थोड़ा सा बेसन है, बेसन डालती हूँ। और इसमें भी मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल के इसको गूंथ लेती हूँ, कि आप ऐसे भी ना बिस्किट की तरह बेल के ऐसे भी खा सकते हैं आप सेक के, नमक वगैरह डाला रहता है तो। मुझे तो कभी ऐसे भी मन करता तो चाय बना लेती हूँ और चाय के साथ खा लेती हूँ। और ये पीसने, क्योंकि एक हाथ में मैं मेरे मोबाइल पर पकड़ी हूँ और एक हाथ से मैं कर रही हूँ तो हो नहीं रहा, अभी मैं मिला के दिखाती हूँ आपको दूसरे हाथों से फटाफट। बहुत अच्छे से बेसन डालने से ना बढ़िया से गूंथ जाता है, फटता नहीं है फिर, जैसे कि बेलने में दिक्कत होती है ना, तो बाइंडिंग के लिए अच्छा है। थोड़ा बेसन डाल लीजिए, ये देखिए कितना बढ़िया से एकदम से बाइंड हो रहा है। तो यही मैं आटा तैयार करके थोड़ी देर पहले गूंथ के रख लेने से फूल जाएगा अच्छे से, बेलने में फिर सही रहता है, अच्छा से बिल जाता है, देख रहे हैं ना ऐसे ऐसे, ये फटेगा नहीं। अब शाम हो गया है तो मैं इसके मसाले की तैयारी कर लेती हूँ ग्रेवी की, जो दाल वाली सब्जी बनाऊँगी। तो ये लहसुन है और ये हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, इन सबको पीस लेंगे, और थोड़ा सा लहसुन 3-4 कली और 2-3 हरी मिर्च दाल के साथ पीस लेंगे, कि यदि दाल अलग से भी पकौड़े खाना चाहे ना तो टेस्टी लगता है। दाल खूब महीन नहीं पीसना है और पानी बिल्कुल निकाल लीजिएगा, पानी नहीं रहना चाहिए, कि इसका अपने पानी से ही पीस जाता है। और थोड़ा सा दरदरा ही पीसना होगा, पीसेंगे ज़्यादा पीस देंगे ना पतला हो जाएगा ना, तो पकौड़े बनेंगे नहीं फिर आपके। तो शाम हो गया है और पतिदेव जी आ गए, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी भूख भी लगी है, कुछ समोसा वगैरह मंगा लो। मैं कि समोसा क्यों मंगा लूँ जब दाल पीसी हूँ, तो इसी में एक प्याज फटाफट काटी, थोड़ी सी हरी मिर्च, धनिया पत्ता काट के, और देखिए पकौड़े तल दिए और चाय के साथ। और ये इतना टेस्टी लगता है ना कि आप कितना भी मर्जी खा लो, अलाइट होता है एकदम, आपको बिल्कुल भारीपन नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसे भी घर का बना हुआ तो ऐसे भी अपना पता है कि अपना तेल है, पता है कि कौन से तेल में खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, तो ऐसे भी लाइट थोड़ा सा बाहर से तो अच्छा ही होता है, बाकी टेस्टी इतना होता है ना कि आप एक बार खाते जाओगे ना तो खाते ही जाओगे। और चाय भी मेरी बन गई है।
चीज है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। खत्म हो गया? नहीं, काहे के खत्म हो गया? तो सब्जी बन गई है मेरी और इधर राधा रोटी बना ले रही है और फिर उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। और ये चावल के साथ और भी मज़ेदार लगता है, और भी अच्छा लगता है। लेकिन सब चावल बना कर दिए हैं, रोटी ही खाएंगे, तो कोई बात नहीं, मैं अपना दिन में चावल बना लूँगी और रख लूँगी थोड़ा सा, तो दिन में खा लूँगी। तो गाइज मैं वीडियो को यहीं पर करती हूँ अब क्लोज। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए, नहीं तो हिम्मत टूटती है। और आप लोग ऐसे भी दुनिया भर के इधर उधर वीडियो तो देखते ही हैं और हम लोग एक गृहिणी होते हैं, गृहिणी होकर ये वीडियो वगैरह बनाते हैं। प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए गाइज, और आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप लोग से ही तो हम लोग हैं। आप लोग नहीं हैं तो फिर तो हम लोग फिर बेकार ही हैं इतनी मेहनत करना। थैंक यू।